ये क्लास 8th का 14 चैप्टर है आपके बुक के हिसाब से, और इस चैप्टर का नाम है लाइट। अब ये जो पांच अक्षरों का जो ये शब्द है लाइट, इसके पीछे बहुत रोचक कहानियां हैं, ठीक है ना। और ये विज्ञान का एक ऐसा मतलब इसके पीछे जो विज्ञान है, यदि हम ये पांच जो अक्षर लिख रहे हैं LIGHT, इनके यदि हम इनके पीछे का विज्ञान खोजने जाएं तो बहुत खूबसूरत और बहुत रंगीन विज्ञान हमें देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर जो है, ये आपके आसपास जो आप चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आप चीजें देख पा रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं उसके बारे में, और चीजें जो आप अपने शीशे में, जैसे सुबह आते हैं कहीं जाते हैं तो बात करते हैं तो अपने अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है। तो अपनी शक्ल आप देख पाते हैं तो उसमें आपकी शक्ल को आपको किस तरह से दिखाई देती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो है ये है क्या, व्हाट इज दिस, लाइट है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम ये जाने, और लाइट की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं, और सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस हम जानेंगे कि हम लाइट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें लाइट का हमारे साथ क्या जुड़ाव है, हम लाइट से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पहले अनुभूति करेंगे इस चीज की, ठीक है। विज्ञान की अनुभूति करना आवश्यक है इसकी, इसलिए प्रकाश, लाइट को हिंदी में प्रकाश भी कहा जाता है, प्रकाश। प्रकाश की पहले अनुभूति करेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हम धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए प्रकाश की अनुभूति। मैं यहाँ एक अंधेरे कमरे में हूँ, बहुत ही अंधेरा कमरा, ठीक है, जहाँ कुछ भी लगभग देख पाना असंभव है कि यहाँ क्या है, क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ, तो यहाँ देख पाना लगभग असंभव सा है। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं है कि यहाँ चीजें नहीं रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो तत्व हमें देखने में सहायता करता है, हेल्प करता है हमें देखने में, वो यहां नहीं है। तो उसको जरा यहां प्रकट करते हैं। ये देखिए, तो वो तत्व यहां प्रकट हो चुका है, और वो क्या है, वो है प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश जो इधर लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कक्ष है ये विज्ञान अनुभूति कक्ष है, और जो चीज प्रकट हुई थी वो इस बल्ब के जरिए प्रकट हुई थी। दोबारा देखिए, ये देखिए, तो लाइट यहाँ पे प्रकट हुई थी किसके जरिए, बल्ब के जरिए। बल्ब को हमने कैसे जलाया, बिजली से। तो लाइट यहाँ पे इस पूरे कमरे में लाइट हुई, और लाइट के कारण हम जो चीजें हैं यहाँ पे, तरह तरह की, जैसे पंखा हुआ, गाटर है, पीछे पर्दा लग रहा है, अलमारी है, पार्टीशन है, वो देख पाए। यदि हम इसे बंद कर देते हैं तो ये सारी चीजें हम नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में सहायता करती है, ठीक है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में हेल्प करती है, सहायता करती है। तो क्या ऊर्जा हमें देखने में सहायता करती है? क्या केवल लाइट ही ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है? ठीक है, बाकी ऊर्जाएं जो हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा वगैरह वगैरह, वो हमें देखने में सहायता क्यों नहीं करती? इस पे जरा आप सोचिए। तो फिलहाल हम ये हमने निष्कर्ष निकाला यहाँ से कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में सहायता करती है। चलिए बत्ती बुझा देते हैं। हाँ जी, तो अभी हमने देखा कि जो लाइट है वो हमें चीजों को देखने में मदद करती है, यानी कि हम उसके, यदि लाइट है कहीं, मतलब लाइट एक आप एंटिटी मानिए, एक सत्ता मानिए, सत्ता मतलब जो कहीं जगह फैली हुई है। तो जैसे ही लाइट फैलती है हम चीजों को देख पाते हैं, तो लाइट हमें अलग अलग चीजों को देखने में सहायता करती है। लाइट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, तो लाइट हमें चीजों को देखने में सहायता करती है जी, अच्छी बात है। लेकिन लाइट चलती कैसे, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे, अपनी किताबी बातें जरा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर। मैं इसमें ये लिख रहा है कि जैसे यहाँ पे ये आंख है, ठीक
ठीक है, ये हमारी आंखें हम देख रहे थे, और ये वो टेबल थी, ये वो टेबल थी जिस पर जो यहाँ पर लिखा हुआ था प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब था, यहाँ पर एक बल्ब था जो जल रहा था। ठीक है, बल्ब की रोशनी हमारी आंखों तक भी जा रही थी, बल्ब की रोशनी हमारी आंखों तक जा रही थी। ठीक है, बल्ब की रोशनी इस टेबल पर पड़ के, इस टेबल पर भी पड़ रही थी। ठीक है ना, उस टेबल पर पड़ के फिर हमारी आंखों तक जा रही थी। तो हमें टेबल क्यों दिखी? क्योंकि टेबल पर लाइट पड़ी बल्ब की, और फिर वो हमारी आंखों तक आ रही थी। तो ऐसे कई सारी यहाँ पर दो तीन टेबल थी, इन सब पर लाइट पड़ रही थी और पड़ के हमारी आंखों तक आ रही थी। तो यहाँ पे एक दीवार थी, ठीक है, दीवार पर लाइट पड़ रही थी, पड़ के हमारी आंखों तक आ रही थी। यानी कि हमें कोई भी चीज इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाइट उस पर टकराती है, टकराने के बाद हमारी आंखों तक आती है। यानी कि बताती है कि देखो उधर कुछ चीज रखी हुई है, देयर इज समथिंग देयर। तो लाइट किसी चीज पर पड़ती है, पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आती है, इसलिए हमें वो चीज दिखाई देती है। ठीक है ना, यदि किसी तरह हम उस जो लाइट आ रही है उसको हम रोक दें, ठीक, किसी तरह से रोक दें, यानी कि या तो इसके रास्ते पर रोक दें या इसके रास्ते पर रोक दें पहुंचने वाली लाइट को, या रिफ्लेक्ट हो गई लाइट उसको रोक दें, तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे हमने बल्ब बंद कर दिया तो लाइट रुक गई तो हमें चीज दिखाई नहीं देगी, हमने अपनी आंख पर काला पर्दा लगा लिया, ठीक है, तो ये वाली लाइट रुक गई, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे रुक गई और यानी ब्लॉक हो गई, तो हमें टेबल दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हमें चीजें दिखाई क्यों देती हैं। इसके बाद इसमें एक लाइन लिखी हुई है, किताबी लाइन, लाइट इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज दैट अफेक्ट्स द आईज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसमें जब मैंने सत्ता की बात की थी, एक लाइट एक प्रकाश एक सत्ता है, तो उसमें इन्होंने बताया है लाइट इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, एक्सटर्नल यानी कि बाहर ही है, बाहर ही, ठीक है, बाहर ही, एक्सटर्नल को हिंदी में कहा जाता है बाहरी, एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज। ठीक है, तो इन्होंने फिजिकल एक्सटर्नल फिजिकल कॉज बताया, यानी कि बाहरी भौतिक कारण। ठीक है, तो भौतिक तो नहीं है, मैं भौतिक तो नहीं मानूंगा, एनर्जेटिक है। भाई देखिए, इस संसार में दो चीजें हैं, या तो फिजिकल है या वो एनर्जेटिक है। ठीक है ना, जैसे हीट, तो हीट एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, पानी, गर्म होता हुआ पानी, ठीक है, या जलती हुई मोमबत्ती, तो मोम जल रही है, वैक्स, तो वो फिजिकल है, उससे जो हीट निकल रही है वो एनर्जी फॉर्म है। ऐसे लाइट मुझे नहीं लगता फिजिकल है, बट इन्होंने लगाया फिजिकल कॉज। ठीक है, कॉज नहीं है, इफेक्ट है, एनर्जेटिक इफेक्ट है लाइट मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? What is light according to you? Is it physical cause or energetic effect? क्या ये भौतिक कारण है या ऊर्जा ही प्रभाव है? Physical cause या energetic effect? Energetic इफेक्ट, ठीक है ना, या तो फिजिकल कॉज है या एनर्जेटिक इफेक्ट है, क्या है? ठीक है, तो इस पर आप सोचिए और चर्चा कीजिए कि ये या तो ये फिजिकल कॉज है या एनर्जेटिक इफेक्ट है, तो क्या है? ठीक है ना, इसको सही करने की कोशिश कीजिए, इसको भी सही इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो कुछ नया निकल के आएगा। ठीक है, देखिए, इस समय दिन का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तरह की लाइट यहाँ पर फैल रही है, और ये लाइट आ कहाँ से रही है? इसके यदि सोर्स को देखें, यदि हम, तो ये लाइट आ रही है सन से, यानी कि सूर्य से ये लाइट आ रही है, ये देखिए। ठीक है, काफ़ी तेज चमकता हुए सूर्यदेव धरती पर प्रकाश का संचार कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रकाश इस कमरे तक आ रहा है, देखिए इधर उधर। तो रोज सुबह सूर्यदेव उठते हैं और पूरे धरती पर प्रकाश का संचार करते हैं। एक तो ये यहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, और कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है?
ये देखिए यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगी हुई है जो कि आजकल काफी फेमस है एलईडी लाइट्स। तो एलईडी लाइट से भी हमें प्रकाश मिलता है। देखिए पूरा कमरा दोबारा दोबारा आपको दिख रहा है, तो जगमग है कमरा। तो यहाँ एलईडी लाइट का प्रकाश है। और हमें कैसे प्रकाश मिलता है, ये देखिए ये बल्ब है, ठीक है, जो एक बल्ब होता है 100 वाट का, ये वो बल्ब है। तो बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है, लाइट है खूब अच्छी। और कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, ये देखिए मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जलती है तो आपको पता है कि ये ईंधन है, एक फ्यूल है, तो जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो अब मोमबत्ती जल रही है तो वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि यदि आप इसके हाथ पास में हाथ ले जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी और अपने आसपास प्रकाश भी फैला रही है। तो मोमबत्ती, दीपक, ये सब, इन सब से हमें प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमें प्रकाश मिलता है सन से, यानी कि सूर्य से, और कहाँ से मिलता है, बल्ब, ठीक है, बल्ब से, 100 वाट का बल्ब से, और कहाँ से मिलता है, एलईडी लाइट। ठीक है, ऐसे हिंदी में कह रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलता है, कैंडल, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, और भी कई सारे साधन हो सकते हैं जिससे कि हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं। तो ये सारे सोर्स अभी मैंने आपको दिखाए। जो अच्छा, इस कमरे में जो लाइट है, ठीक है ना, वो किस वजह से है, वो सूर्यदेव की वजह से है, सन की वजह से है। अंदर कमरे में जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो लाइट किसकी वजह से थी, इसकी वजह से थी और इसकी वजह से थी, और कैंडल की वजह से मैंने आपको लाइट दिखाई। तो इनमें अंतर क्या है, ठीक है, इन चारों में क्या अंतर है। इन चारों में अंतर ये है कि देखिए, ये तो हमने नहीं बनाया, सूर्यदेव को हमने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन बल्ब को हमने बनाया, एलईडी लाइट को हमने बनाया, कैंडल को हमने फैक्ट्री में तैयार किया। तो ये है मैन मेड, ठीक है, मैन मेड, ये इन्हें हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित, ये है प्राकृतिक, नेचुरल, नेचुरल या प्राकृतिक, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास प्रकाश के स्रोत होते हैं, वह जो हमने नहीं बनाए, जो नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, और जो हमने बनाए उन्हें कहा जाता है मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये दो लाइट के स्रोत हैं। इसके अलावा दो तरह के ऑब्जेक्ट्स और होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रदीप, और इसे हिंदी में कहा जाता है अप्रदीप। हमें हमारे आसपास जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है हमारे आसपास, उनमें से किन किन से प्रकाश उत्सर्जित होता है, किन किन से प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है ल्यूमिनस, जिनसे लाइट निकलती है, और जिनसे नहीं निकलती है उन्हें कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस। जैसे कि ये एक चौक की डिबिया है, तो इसमें से लाइट नहीं निकलती है, तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन ल्यूमिनस यानी अप्रदीप्त। और जो कैंडल थी, मोमबत्ती थी, ठीक है, जब वो जल रही थी तो जलती थी मोमबत्ती, ठीक है, प्रदीप्त में जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, और अप्रदीप्त में बुझी हुई मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती अप्रदीप्त स्रोत है, और जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त स्रोत है, यानी कि ल्यूमिनस सोर्स है, या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सोर्स नहीं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, जैसे जुगनू होता था पहले, एक कीड़ा, तो उसमें उसमें से लाइट निकलती रहती थी। तो जो जुगनू है,
वो क्या है? ल्यूमिनस। लेकिन जो हमारे आसपास ज्यादातर चीजें होती हैं वो नॉन ल्यूमिनस होती हैं, अप्रदीप्त होती हैं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें थी, बहुत बेसिक, जो लाइट के संबंध में थी। अब लाइट वास्तव में है क्या, ठीक है, इसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। तो लाइट पे, लाइट के इस सेगमेंट पर चर्चा करने के लिए कि लाइट है क्या, ठीक है, काफी सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने विचार रखे। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए जिनका नाम इस लाइट प्रकाश के संबंध में खास तौर पर याद किया जाता है, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। उनके बारे में थोड़ी चर्चा की जाती है, कर लेते हैं। ये एक इंग्लैंड के, ये ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे और काफी महान साइंटिस्ट रहे, सर आइजैक न्यूटन। तो हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये काफी जाने माने नाम रहे भौतिकी की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में, और इन्होंने लाइट के बारे में कुछ खास बातें कही, कुछ प्रारंभिक बातें कही। वो ये कही कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स। जो लाइट है, इन्होंने लाइट को एक फिजिकल एंटिटी माना, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा था एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, ठीक है ना। तो फिजिकल कॉज जैसा तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन कॉज ही मान लीजिए। उन्होंने एक फिजिकल एंटिटी माना लाइट को, जो किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उन्होंने, कॉर्पस्क्यूल्स। तो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब उनकी जो बात थी, उन्होंने सीधे ऐसे नहीं, उन्होंने केवल बात कह दी, उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए इसके लिए कि भाई ये मैं बात कह रहा हूं और उसके कुछ प्रमाण है। तो उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण तो उन्होंने दिया कि जो लाइट है, अब कॉर्पस्क्यूल्स है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो पार्टिकल किसी चीज पर पड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यदि उससे पार नहीं जा पाए तो वो लौट आएंगे, और लौट आएंगे तो उसके पार नहीं जा पाए यदि तो अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट को पार्टिकल मानिए, तो वो यानी कण है छोटे छोटे, तो वो किसी चीज के यदि पार नहीं जा पाए तो उसके पीछे अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उनकी इस बात को पुष्टि करने के लिए उन्होंने जैसे शेडो बनती है, परछाइयां बनती हैं, तो परछाइयों का उन्होंने उदाहरण दिया। तो हम परछाई बना के देखते हैं और देखते हैं कि वो सर आइजैक न्यूटन के कॉर्पस्कुलर मॉडल से किस तरह से मैच करती है। आपको एक्सपेरिमेंट वाला करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक लाइट सोर्स है जो कि बल्ब है, और यहाँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये पट्टा है और एक ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट क्यों कहा गया, ठीक है, वो भी उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ पोर्शन, हालांकि किताब में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप में एक इंट्यूशन जगे, ठीक है ना, जो थोड़ी लाइट की खोज हुई, मतलब लाइट के बारे में जो थ्योरीज बनाई गई, लाइट की खोज तो नहीं, लाइट के बारे में जो थ्योरीज बनाई गई वो आपको थोड़ी पता चले, ठीक है, उसमें आप थोड़ी गहराई तक जाने की कोशिश करें। नहीं तो बहुत सिंपल होता है कि लाइट क्या है, कैसे सब, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी गहराई में जाने की इसमें कोशिश करें, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये देखिए, अच्छा, इसके पीछे ये जो पट्टा है, इसके पीछे वाली जो दीवार है उस पर आप देखिए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसमें आपको अभी पट्टा नहीं है तो आपको बल्ब की लाइट यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे पट्टा इसमें आ जाता है तो पीछे आपको काला काला एक रीजन दिखाई देता है, ठीक है, एक क्षेत्र दिखाई देता है काला काला। ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइट इस पर पड़ रही है, लाइट कॉर्पस्क्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो लाइट इस पर पड़ रही है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है, लाइट के पार्टिकल्स इसके पार नहीं जा पा रहे हैं, और बीच में एक छेद है, तो छेद से पार जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो इससे पार नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए पीछे अंधेरा हो गया। यही काम यदि आप इस कांच की ट्रांसपेरेंट शीट के साथ दोहराते हैं
तो आप देखेंगे कि लाइट लगभग लगभग पार चली जाती है। यदि हम इसको इधर रखें तो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात और, जब हम इसको इधर रखते हैं तो आप थोड़ा बिहेवियर देखिए इसका, कि थोड़ा थोड़ा ही इसमें मतलब पूरी तो लाइट नहीं जा पा रही, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि ये कांच है तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ी बहुत लाइट इसके पीछे जा रही है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको आप बल्ब के पास ले जाता जाता हूं तो ये देखिए, देखिए बल्ब के पास रखने पर इसका यहाँ पे बिहेवियर देखिए, और बल्ब से दूर ले जाने पर यहाँ बिहेवियर देखिए। ऐसे ही जब मैं बल्ब के पास इसको रखता हूँ तो ये पूरा इसका ब्लॉक हो जाता है क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स इस पूरे हिस्से पर नहीं जा पा रही क्योंकि लाइट फैल रही है। ठीक है, तो इसको आप घर में भी करके देख सकते हैं। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यदि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है तो पार्टिकल इसको टकरा के वापस आने चाहिए थे, इससे पार क्यों जा रहे हैं और इससे पार क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि है तो दोनों सॉलिड ना, तो ये आपको थोड़ा इस पर सोचना है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी वी परसेंट बन रही है तार की है। देखिए ये मेरे पास बॉल है, तो जैसे ही बॉल मैं बॉल को जब ये अभी दीवार है, देखिए अभी ये दीवार है ठीक है, और यदि इस दीवार पे मैं अभी पट्टा नहीं है इसके सामने, तो इस दीवार पे यदि मैं बॉल मारता हूँ तो बॉल मेरे पास आ जाती है। इसी तरह जो लाइट के पार्टिकल्स थे सर आइज़ैक न्यूटन ने बताया कि वो बॉल की तरह बिहेव करते हैं, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो पाती उनसे टकरा के वो वापस लौट आते हैं। लेकिन कांच की शीट भी सॉलिड होने के बावजूद भी कांच की शीट से टकरा कर वो वापस क्यों हो जाते हैं यदि लाइट के वो, क्योंकि देखिए अब बॉल जो है उसको तो आपको पता ही है कि एक कांच की शीट में मारेंगे तो लौट के वापस आ जानी है। ठीक है, यहाँ से कांच की शीट पर बॉल मारेंगे तो लौट के वापस आ ही जाएगी, लेकिन जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो क्यों नहीं वापस आते हैं इस पर भी आप जरा सोचिएगा। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी लाइट की, कि लाइट किस किस तरह से मतलब बिहेव करती है, उसके आधार पर कई सारे जो वैज्ञानिक रहे भौतिकविद रहे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। तो सर आइज़ैक न्यूटन की जो बात थी कि लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है और ये इस तरह का बिहेवियर शो करती है, तो उनकी बात उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दी जैसे मैंने आपको दिखाया। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो बात कही कि जब लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, एक उपकरण होता है प्रिज्म इस तरह का तिकोना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो जब हम थोड़ी इसकी चर्चा तब करेंगे, अब नहीं कर रहे। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में कि लाइट क्या है, बेसिकली हम लाइट को समझें, सबसे पहले हम लाइट की अनुभूति करें कि लाइट है क्या, क्योंकि विज्ञान को सीधे सीधे ऊपरी किताबी भाषाओं में पढ़ लेना या उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेना दैट्स नॉट सफिशिएंट, केवल वो ही पर्याप्त नहीं है, उसकी जब तक अनुभूति नहीं करेंगे कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो उसे अपनी भाषा में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब किताबी बातें हैं। आपकी नजर में लाइट क्या है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया फिजिकल कॉज या एनर्जेटिक इफेक्ट, इन दोनों में से क्या है या इनके अलावा भी कुछ है? ठीक है, तो उस पर सोचिए। अभी मैंने एक जो क्वेश्चन दिया आपको उस पर सोचिए, और जैसे जैसे हम लाइट जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और आपके मन में क्वेश्चन उठते चले जाएंगे, तो क्वेश्चन करना जारी रखिए, जैसे कि सीखना और नई नई चीजें आना जारी है।